हेलो एवरीवन, आज हम राजस्थान की स्पेशल डिश दाल बाटी या फिर दाल बाफला बनाएंगे। बाटी बनाने के लिए हम ओवन, तंदूर, गोबर के उपले या कंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो एकदम आसान विधि से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल भिगा लेंगे। यहाँ पे मुझे बाज़ार से मिक्स वाली दाल मिल गई थी, तो इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो घर पर चना दाल, मसूर दाल, तूर दाल, उड़द दाल और मूंग दाल को समान मात्रा में लेके भिगा देना, या फिर सिर्फ मूंग दाल और चना की दाल से भी कोई कोई लोग दाल बनाते हैं। मैंने दाल को धो के ले लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करके ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। दाल भीग रही है तब तक बाटी बना लेते हैं। बाटी के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप गेहूँ का मोटा वाला आटा ले लिया है। आप चाहो तो बारीक आटा भी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी सूजी ऐड कर दीजिएगा तो वही टेक्सचर मिल जाएगा आपको। अब हम इसमें हाथों से मसल के थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा और नमक। अब इसमें हम मोइन लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने मोइन लगाने के लिए पिघले हुए घी का इस्तेमाल किया है। बाटी में घी का मोइन ही लगता है, तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मोइन बराबर लगा है कि नहीं चेक करने के लिए हम आटे की ऐसे मुट्ठी बनाएंगे और देख लेंगे कि छूट रही है कि नहीं। अगर मुट्ठी छूट रही है, आटा छूट रहा है, तो इसका मतलब और मोइन की ज़रूरत है। थोड़ा सा घी और ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब देखिए मुट्ठी बनाने पर भी आटा छूट नहीं रहा है, इसका मतलब अच्छे से मोइन लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा लगा लेंगे। बाटी का आटा हमें नरम नहीं लगाना है, इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड कीजिएगा, एक साथ मत डालिएगा। अच्छे से गूंथते हुए हम सख्त आटा लगा लेंगे। अब इससे हम पेड़ा काट के बाटी बना लेते हैं। आटा थोड़ा सख्त लगाया है तो अच्छे से मसल के बाटी बनाइएगा। ऐसे गोल पेड़ा बना के उसके ऊपर ऐसे हम कट लगा देंगे और सारी बाटियाँ इसे तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी सारी बाटी तैयार है। अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। आप पानी में सीधा भी बॉईल कर सकते हो, लेकिन मुझे ये रीत पसंद है, तो मैंने एक बॉयलर में प्लेट लगा के उसको ग्रीस कर लिया है। उसके ऊपर हम सारी बाटियाँ सेट कर देंगे। अब ढक के इसको हम 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। बाटी पक रही है तब तक हम हमारी दाल भी कुकर में डाल देते हैं, इसको भी पका लेते हैं। भीगी हुई दाल हम कुकर में डाल देंगे। मुझे इसमें थोड़े पानी ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। अब कुकर को ढक के 4 विसल आने तक दाल को पका लेंगे। दाल पक रही है तब तक बाटी के पास आ जाते हैं। हमारी बाटी भी पक चुकी है, तो गैस को बंद करके सारी बाटियाँ प्लेट में निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब बाटी ठंडी हो जाएगी तो हम इसको सेलो फ्राई कर लेंगे। बाटी ठंडी हो रही है तब तक हम दाल का तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने ढेर सारा घी ले लिया है। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि घी जल ना जाए। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा चटक जाए तो डालेंगे थोड़ी सी हींग और कटे हुए अदरक और लहसुन 2 चम्मच और 1 लाल सूखी मिर्च। इसको अच्छे से सोते कर लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का
कच्चापन चला ना जाए तब तक इसको सोते करना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं काट के। प्याज को भी हम ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तब तक पका लेंगे। प्याज पक चुके हैं, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं काट के। इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। एक बार चला लेते हैं नमक को मिक्स करने के लिए। अब इसको ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट तक या फिर टमाटर गल जाए तब तक पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके सारे मसाले कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। अब सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं, अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हम पहले नहीं डालेंगे मिर्च, या तो उसका कलर चला जाएगा या फिर ज़्यादा पक जाएगी इसमें बाद, इसलिए बाद में ही डालेंगे। अब इसको पकने देते हैं। मिर्ची पक जाए तो हम हमारी बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी दाल एकदम बढ़िया बनी है। यही टेक्सचर चाहिए हमें दाल का, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट वाला टेक्सचर है ये। दाल में उबाल आने देंगे। दाल उबल जाए तो डालेंगे ढेर सारा धनिया और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए, हमारी दाल तैयार है। अब हम बाटी के पास चलते हैं जो कि ठंडी हो चुकी है, उसको भी सेलो फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे कढ़ाई में और घी के ऊपर जितनी आए उतनी बाटी सेट कर देंगे। पांच बाटी आ चुकी है, इसको एकदम धीमी आंच पे हम पका लेंगे। कम से कम 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, एक बाजू गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो पलटा के हम दूसरी बाजू भी सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सिकनी चाहिए, गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा, वरना ये बाहर से एकदम पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ये देखिए एकदम गोल्डन हो चुकी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। 1.5 कप से हमारी यहाँ पे 10 बाटियाँ बनी है। अब हम मिर्ची को सेकने के लिए उसका मसाला तैयार करते हैं। भर के सेकेंगे मिर्ची को। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, नमक और धनिया ले लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम मिर्ची में कट लगा के इसको भर लेंगे। अब मिर्ची को सेक लेते हैं। गैस पे रख के हम सीधा सेक लेंगे। अच्छे से डिजाइन बनानी है हमें मिर्ची पर। पलटा पलटा के हम थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक मिर्ची को सेकेंगे। ये देखिए हमारी मिर्ची भी सिक चुकी है, इसको भी हम ले लेते हैं नीचे। अब हमारी दाल बाटी हम सर्व करने जा रहे हैं कांदा और मिर्ची के साथ।
सबसे पहले हम बाटी रख देंगे। मैंने यहाँ पे बाटी घी में फ्राई की है, तो इसके ऊपर हम घी नहीं डालेंगे। आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। हमारी दाल भी रख देते हैं, एकदम गर्मा गर्म दाल तैयार है। सर्दियों में खाने में बहुत ही मज़ा आता है ये दाल बाटी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे। राजस्थानी डिश है तो घी और मिर्ची भरपूर चाहिए हमें, उसमें कंजूसी नहीं चलेगी। ये लीजिए, हमारी दाल बाटी बिल्कुल तैयार है। आप इसको घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।